फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो का इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताया हूँ कि कैसे कैसे मैंने सोफोस फाइल को उस सोफोस की वेबसाइट से रजिस्टर किया, उसके बाद आप वर्चुअल अप्लायंस ISO फाइल डाउनलोड किया, VMware में कैसे इंस्टॉल किया, ये सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में कर दिया हूँ। फ्रेंड्स, यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो इंट्रोडक्शन में मेरा शॉर्ट है। मीन्स मैं आपको प्रॉपर कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं फायरवॉल पे, वो लिंक भी दूंगा आपको, डाउनलोडिंग लिंक भी दूंगा आपको, और कैसे रजिस्टर करते हैं डिवाइस को फायरवॉल से वो भी बताऊंगा, कैसे VMware के अंदर हम सोफोस फायरवॉल को इंस्टॉल करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं यूट्यूब चैनल वीडियो को। फ्रेंड, सबसे पहले हमको सोफोस की वेबसाइट जो है secure.sophos.com, वहाँ से जाके हमको एक वर्चुअल एप्लीकेशन के लिए ISO फाइल के लिए हमको रजिस्टर करना पड़ता है। आपको आपके यहाँ पे पूरा डिटेल फिल करना पड़ता है, फिर उसके बाद हमको सबमिट करना पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट कंप्लायंस आता है यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ से हम ये US गवर्नमेंट से एक्सपर्ट कंप्लायंस नाउ मैंडेटरी फॉर द डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर एंड कम्प्लीट द फॉर्म द प्रोसेस यू डाउनलोड। तो ये अभी मैंने ये प्रोसेस कर लिया, ऑलरेडी डिटेल फिल कर लिया है, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूंगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, मुझे सोफोस की तरफ से ईमेल आया है, जो मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो मुझे वहाँ पे एक टेम्परेरीली की जनरेट हुई जो 90 डेज के लिए वैलिड है। तो ये की से मैं अब एक्टिवेट करूंगा फायरवॉल को, वर्चुअल फायरवॉल को। अब यहाँ पे स्टेप्स इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इंस्टॉलेशन कैसे करना, डाउनलोड कैसे करना, वर्चुअल एनवायरनमेंट और WAN कनेक्टिविटी के लिए पोर्ट 2 दोस्त दिया हुआ यहाँ पे है, और जो फायरवॉल का डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है यहाँ पे दिखा रहा है https://172.16.16.16.444। तो इस प्रकार से हम इसको करने वाले हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला। तो देखिए दोस्तों, मैंने फाइल डाउनलोड किया, तो यहाँ पे इसका फाइल डिटेल आ गया है, 287 MB का फाइल है दोस्तों। अब यहाँ से हम VMware वर्कस्टेशन प्रो इंस्टॉल करेंगे, रन करेंगे। रन करने के बाद सबसे पहले हमको फ्रेंड्स यहाँ पे ओपन वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना पड़ता है, ओपन अ वर्चुअल मशीन पे ही हमको क्लिक करना। फ्रेंड्स, हम जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमको जो फाइल हमने डाउनलोड किया उसके अंदर के सारे एक्सटेंशन हमको दिख जाएंगे। तो हमको इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल SF वर्चुअल पे क्लिक कर देना। फ्रेंड्स, HF वर्चुअल पे क्लिक करने के बाद हमको इसको कर देना है ओपन। जैसे ओपन करेंगे तो एक प्रॉम्प्ट हमारे सामने आ जाएगा, इस प्रॉम्प्ट में हमको नाम देना है, आप जो चीज़ इंस्टॉल कर उसका नाम दे सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे सोफोस XG फायरवॉल टाइप करता हूँ, ये जैसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और यहाँ से हमको कर देना है इंपोर्ट। इंपोर्ट करने तो इसमें कुछ सेकंड्स का प्रोसेस, इंपोर्टिंग सोफोस XG फायरवॉल, ऐसा एक कुछ प्रोसेस चलती है। जैसे ही जब ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो ऑटोमेटिक एक हमारे पास सामने नई विंडो ओपन हो जाती है। फिर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर ऑन ऑफ के लिए आ गया, रैम है, प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क है, स्टोरेज पाथ बता रहा है यहाँ पे, तो सारा डिटेल यहाँ पे ऑलमोस्ट हमको दिख रहा है। अब हमको यहाँ पे नेटवर्क्स हो गया, 3 नेटवर्क के पोर्ट एडाप्टर्स, अब हमको कर देना है दोस्तों पावर ऑन पे क्लिक। फायरवॉल पे क्लिक करेंगे तो फायरवॉल मतलब VMware के अंदर फायरवॉल रन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्जन भी दिखा रहा है, स्टार्टिंग 17.5.4 और इंस्टॉलिंग द डिफॉल्ट कॉन्फ़िग। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है फ्रेंड्स, ये जैसे थोड़ा सा प्रोसेस होगा फिर उसके बाद हमारा फायरवॉल VMware में इंस्टॉल हो जाएगा। VMware में इंस्टॉल होने के बाद हम अपने वर्चुअल फायरवॉल को हम कैसे फिजिकल नेटवर्क के सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। और फिर इसके थ्रू हम नेटवर्क पॉलिसी बना सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, एक प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं कि कैसे हमको फायरवॉल पे काम करना है, और इस पर प्रैक्टिस करने के बाद आप रियल वाले फायरवॉल के ऊपर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैं वीडियो भी बनाता हूँ वो सारा वीडियो वर्चुअल फायरवॉल के ऊपर ही पहले टेस्ट करता हूँ, उसके बाद ही मैं वही वीडियो में अपलोड करता हूँ। और ये आप लोग भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और कोई भी कर सकता है। ये दोस्तों सोफोस की साइट से जाके आप रजिस्टर करके बिल्कुल फ्री सीख सकते हैं, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, जिस सिर्फ आपको एक जीमेल की आपकी आईडी लगेगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन चल रहा है, प्रोसेस लोडिंग फर्स्ट बूट कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉलिंग डिफॉल्ट कॉन्फ़िग, ऐसा मैसेज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सिस्टम डिटेल्स आ गया है, और नंबर ऑफ कोर 1 है, रैम टोटल रैम बता रहा है दोस्तों, नंबर ऑफ इंटरफेस 3 है, प्राइमरी डिस्क 4 GB, टोटल ऑक्सिलरी डिस्क 18 GB। और यहाँ पे पासवर्ड पूछे तो सोफोस का जो फायरवॉल का जो डिफॉल्ट पासवर्ड फ्रेंड्स रहता है, वो रहता है यहाँ पे एडमिन एडमिन।
तो हम यहाँ पे एडमिन से लॉगिन, अब इसको हमको हमेशा दोस्तों एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे एक्सेप्ट करेंगे उसको तो हमारे सामने नेटवर्क और सारी डिटेल आ गई। तो जैसे हम मैंने एक नंबर पे देखना चाहता हूँ इंटरफेस की, तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम सिस्टम इज इंस्टॉलिंग, ऐसा मैसेज आ रहा है आप देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है हमको वापस रिफ्रेश करके, थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे कि इंटरफेस में जो हमको जो फायरवॉल से जो डॉक्यूमेंशन मिले हुए हैं मेल पे वही डिटेल्स शो हो रही है या कुछ और। तो जो आईपी शो होगी उसी आईपी से हम अपने फिजिकल मशीन से वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करेंगे। तो अभी वापस मैं रिफ्रेश करके देख रहा हूँ, अभी वापस ओपन हो गया फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे एक नंबर प्रेस करेंगे, एक नंबर पे इंटरफेस कॉन्फ़िगर डीएनएस है तो हम एक नंबर प्रेस करेंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि इंटरफेस में कौन कौन सा पोर्ट पे क्या है। तो एक नंबर इंटरफेस पोर्ट नंबर ए पे 172.16.16 है जो दोस्तों आप देख सकते हैं, और यहाँ पे उसका गेटवे सबनेट दिया हुआ है और कुछ नहीं। फिर वापस नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे पोर्ट नंबर बी पे 171.20. वापस नेक्स्ट करके हम फिनिश कर देते हैं इसको। अब हम यहाँ पे जीरो प्रेस करेंगे तो यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो अभी हम एग्जिट होकर यहाँ पे आ गए हैं। अब हम ट्राई करेंगे कि हमारे सिस्टम से फायरवॉल को कनेक्ट करने की ट्राई करेंगे कि कैसे कनेक्ट होगा। और क्योंकि अभी पूरा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पेंडिंग है, सिर्फ हमने फायरवॉल का फिजिकल मशीन हमने एक वीएमवेयर में इंस्टॉल कर दिया है। अब हमको क्या करना है कि फिजिकल मशीन से वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करना है और उसको इंस्टॉलेशन करना है। तो मैं पहले यहाँ पे पिंग करके देख लेता हूँ कि मुझे फिजिकल वर्चुअल मशीन फायरवॉल पिंग हो रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे आईपी टाइप कर रहा हूँ फ्रेंड्स, सेम इसी प्रकार से आप भी चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे पिंग रिप्लाई आ रहा है जो फायरवॉल का डिफ़ॉल्ट आईपी है। मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स, एक बार क्लियर कर लें। आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 172.16.16.16.22.5.22.5.22.5.0। तो ये सबनेट दिख रहा है और ये गेट, ये आईपी हमको पिंग हो रही, मतलब हमारी फिजिकल मशीन से वर्चुअल मशीन कनेक्ट हो रही है। अब हमको क्या करना है यहाँ पे फ्रेंड्स, हम गूगल ओपन करेंगे। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको टाइप करके दिखा कैसे फर्स्ट टाइम फायरवॉल को ओपन करते हैं। https://172.16.16:4x4, ये पोर्ट नंबर नहीं डालेंगे तो फायरवॉल ओपन कभी नहीं होगा फ्रेंड्स। तो आपको हमेशा याद रखना कि आपको पोर्ट नंबर डालना है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यही चीज़ मैं वहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो उन्होंने कनेक्ट कंप्यूटर टू लैन इंटरफेस पोर्ट 1 एक्सेस टू सेटअप स्क्रीन, तो ये आईपी जो बता यही सेम सिनेरियो हम कर रहे हैं जो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद ट्राई करते हैं इसको कनेक्ट करने की। तो अभी ये ट्राई कर रहा हूँ कनेक्ट करने की फ्रेंड्स, ये ओपन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो चुका है फ्रेंड्स और मुझे प्रॉपर तरीके से पिंग भी आ रहा है इसका, और मैं आपको वापस ओपन एक्सेस भी हो गया वापस मैं दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो मैं इंटरफेस को आईपी को एक्सेस कर रहा हूँ पोर्ट ए ये भी है और पोर्ट ए मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे हमको एडवांस पे क्लिक कर देना है और प्रोसेस टू कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। तो जैसे प्रोसेस टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब हमको क्लिक टू लॉगिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमको पासवर्ड बनाना, तो पासवर्ड कुछ अलग बहुत सारे कैरेक्टर्स का होना चाहिए, नहीं तो पासवर्ड नहीं थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा कैरेक्टर मैं 10 कैरेक्टर्स ओपन, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स और इस पर हमेशा आपको अनइंस्टॉल द लेटेस्ट फॉर्मवेयर इसको अनचेक करना है और यहाँ पे एग्री करके कंटिन्यू करना, नहीं तो आपका फायरवॉल दिन भर लग जाएगा लेकिन ऑन ही नहीं होगा क्योंकि वहीं से अपडेट उठा लेता है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ से हमको अपनी कंट्री पे क्लिक करना है और यहाँ से मेरे पास फायरवॉल का जो है की मेरे पास है जो मैंने आपको मेल में दिखाया था। अब मैं वहाँ पे ये चीज़ पेस्ट करूँगा जो मैंने आपको मेल में दिखाया था। इसको हमको कर देना है फ्रेंड्स कॉपी। कॉपी करने में कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल सी करने के बाद इसको मैं बंद कर देता हूँ फ्रेंड्स, सॉरी हमने कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अभी हमारा फायरवॉल का जो एप्लीकेशन है जो हमने सोफोसम को मिला हुआ था वो यहाँ आ गया है। अब यहाँ पे बता रहा है कि आई हैव एग्जिस्टिंग सीरियल नंबर, तो हमारे पास सीरियल नंबर है, इसको डू नॉट लेटर भी कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। लेकिन मैं आई डू नॉट वॉन्ट टू रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके कंटिन्यू टू प्रोसेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक वार्निंग आ रहा है, स्किप टू रजिस्ट्रेशन, सम फीचर्स आर नॉट वर्किंग। कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में एक्टिवेट कर लेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा बता रहा है, इवोल्यूशन बता रहा है और यहाँ पे हमको इसमें कुछ नहीं चेंजेस करना है, डायरेक्ट हमको पूरे नेटवर्क का पूरा कॉन्फ़िगरेशन का दिखा रहा है, इसको कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे पोर्ट ए हमारा लाइन है, लाइन का नेटवर्क ये है, उसमें DHCP इनेबल है, इसको हम कर देते हैं कंटिन्यू। बहुत टेंशन वाली बात नहीं फ्रेंड्स, बहुत छोटी चीज़ है, कोई भी कर सकता है,
बस एक बार आप समझ जाओ इस वीडियो को, प्रॉपर तरीके से देख लो, आपको कहीं नहीं प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हमको सारे ऑप्शन को टेक मार्क कर लेना है, प्रोटेक्शन यूजर फॉर नेटवर्क थ्रेट्स, प्रोटेक्ट यूजर फॉर सस्पिशियस एंड मेक एक्सेस वेबसाइट, ये सारे ऑप्शन को हमको टिक मार्क करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे कंटिन्यू क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमको ईमेल एड्रेस पूछ रहा है सेंडर, रिसिपिएंट और इनक्रिप्टेड पासवर्ड। तो अगर हम विदाउट ईमेल का सेव करेंगे तो ये ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड मांग रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे ही कोई टेम्पररी एक ईमेल आईडी क्रिएट कर देते हैं, मतलब ऐसे ही डाल देते हैं admin@gmail.com, ऐसा मैं एक ईमेल आईडी बना देता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ऐसी टेस्ट के लिए दोस्तों बना है, रियल ईमेल आईडी नहीं किसी की, और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, हमने ईमेल आईडी ही पासवर्ड रख दिया है जो इंक्रिप्टेड रहेगा, और यहाँ पे हमको कर देना है कंटिन्यू। अब कंटिन्यू पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो बेसिक सेटिंग में हमारा होस्ट नेम बता दे रहा है, नेटवर्क बता रहा है, नेटवर्क में देख सकते हैं कि DHCP है, तो इसमें नेटवर्क कन्फिगर करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक नेटवर्क आ जाता है फ्रेंड, DHCP में रहता है वर्चुअल में, तो इसमें आपको इंटरफेस कन्फिगर करने की जरूरत नहीं है, और ये सारे कॉन्फ़िगरेशन ओके हैं। अब हमको इस पे कर देना है फिनिश। अब फिनिश करेंगे तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा प्रोसेस लगता है, अराउंड अगर हम आप वर्चुअल में कर रहे हैं तो करीब 4 मिनट तक लगता है, 4 मिनट में फायरवॉल प्रॉपर तरीके से ऑन हो जाता है, और अगर हम आप फिजिकल में कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट करीब 10-15 मिनट्स लगते हैं, मतलब जो एक्चुअल हार्डवेयर के ऊपर कर रहे हैं, तो क्योंकि ये वर्चुअल हार्डवेयर है तो फिर ये बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग मोड में आ गया है फायरवॉल, और अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस ये बता रहा है, प्लीज वेट फॉर मोमेंट्स फॉर द चेंजेस टू बी अप्लाइड। जब ये कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगा फ्रेंड्स तो फिर ये फायरवॉल रीबूट होगा, जब रीबूट होगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि वर्चुअल बॉक्स में कैसे दिखता है जब फायरवॉल रीबूट होता है। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ सेकेंड्स लग सकते हैं, तो प्लीज आप धैर्य रखें, और मैं इस वीडियो में कंप्लीट आपको, और जो मैं सारी वीडियोज बनाता हूँ मैं इसी तरह से वर्चुअल मतलब VMware के अंदर मैं फायरवॉल को इंस्टॉल करता हूँ, और उसी से ही मैं वीडियो बनाता हूँ, और उसी से मैं प्रैक्टिस करता हूँ फ्रेंड्स। तो इसको आप भी टेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए फायरवॉल के सोफेस को वेबसाइट पे जाना है, और वहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हो चुका है, अभी थोड़े कुछ सेकंड्स में ये रीबूटिंग मोड में चला जाएगा, क्योंकि ये देखो सी फ्रेंड्स, अब ये रीबूटिंग मोड, वंस द प्रोसेस इट कंप्लीट द फायरवॉल विल रीबूट ऑटोमेटिकली, दिस विल टेक अ फ्यू मिनट्स टू कंप्लीट। तो अभी कुछ सेकंड्स में मेरा फायरवॉल रेडी हो जाएगा। तो मैं दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था कि अगर मैं आपको फायरवॉल के ऊपर बहुत सारा डिटेल चाहिए, जानकारी चाहिए, तो मेरी इस यूट्यूब वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। दूसरा चीज़ मैं ये करना चाहता, अगर मैं आपको सीखना ही है बहुत अच्छी तरीके से, तो आप एक सिस्टम के अंदर VMware इंस्टॉल कर लीजिए, VMware के अंदर सोफोस की वेबसाइट जाइए, वहाँ से डेमो के लिए ISO कोई भी जिस वर्जन चाहिए वो वर्जन का आप रिक्वेस्ट करिए, और उनके अकॉर्डिंग जो भी डेटा उनको रिक्वायरमेंट है वो डेटा फुलफिल कर दीजिए, और फिर आपको एक URL मिल जाएगी जिससे आप ISO फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको एक ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आप लॉगिन करेंगे उस ईमेल आईडी पे आपको एक सीरियल नंबर मिल जाएगा, उस सीरियल नंबर से आप उस फायरवॉल को एक्टिवेट कर सकते 30-90 डेज, जिससे आप सारी फीचर्स का यूज ले सकते हैं, फिर उसके बाद फायरवॉल और एक्सपायर हो जाएगा जो भी लाइसेंस हमको मिलेंगे। इसमें हमको क्या हुआ कि हम फायरवॉल को सही तरीके से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे कन्फिग होता है, आपको सारी डिटेल उसमें मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो उसमें कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आपको कोई चीज़ चेंजेस करना है या कहीं कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है तो पहले आप टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट करने के बाद आप एक्चुअल फायरवॉल पे प्रोसेस कर सकते हैं। तो जिसका मैंने यही चीज़ में मेरा मेन मोटिव है बताने का, और इसी तरह मैं भी अपने सारे वीडियो भी बनाता हूँ फ्रेंड्स। तो इसमें आपको कहीं भी ऐसा कुछ लगता है कि इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कहीं कुछ समस्या आती है, तो आप मुझे मतलब आपको कहीं कॉन्फ़िगरेशन में कहीं प्रॉब्लम आ रहा है फायरवॉल इंस्टॉलेशन में वर्चुअल में, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं, तो मैं आपका उस ईमेल के थ्रू ही रिप्लाई दे दूंगा। अगर आप मेरे इस वीडियो के थ्रू चैट ईमेल का चैट बॉक्स करते हैं तो मैं वहां से आपको रिप्लाई दूंगा। और फ्रेंड्स इसमें थोड़ा भी पैनिक नहीं होना है, बहुत इजी सेटअप्स हैं, बहुत इजीली हो जाते हैं। आपके पास कोई अच्छा लैपटॉप हो, i3, i5, i7 और मिनिमम 4 से 8 GB का रैम हो, तो VMware फर्स्ट क्लास चल जाएगा, और उसके अंदर हम प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अभी ये आई थिंक कंप्लीट होने ही वाला है, क्योंकि 1-2 मिनट ले लिया है रीबूट होने में, अभी तक हुआ नहीं है।
तो ये होने वाला है। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आएगा ये मैं दिखाऊंगा उसमें आपको कि कैसे हम वर्चुअल फायरवॉल को लाइसेंस एक्टिवेट करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी फायरवॉल जो है ओपन हो रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कनेक्ट हो गया है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं मैंने कहीं पे कोई ड्रॉप या कट विट नहीं किया है, एकदम क्लीन वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, सबको जैसे नहीं बताता हूँ मैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं अभी मैं पासवर्ड से लॉगिन ऑथेंटिकेशन फेल बता रहा है, क्योंकि दोस्तों हमने पासवर्ड चेंज कर दिया था जब हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, तो हमने वहाँ पे पासवर्ड चेंज किया था, तो इसके लिए लॉगिन है। तो मैंने जो पासवर्ड रखा था यहाँ पे एडमिन @1234 अब मैं वही पासवर्ड टाइप करूँगा तब जाके मुझे फायरवॉल में लॉगिन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं अभी मैं वही पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ, आप देखिए फ्रेंड्स लॉगिन मिल गया मुझे। अब मैं एक एक चीज़ दिखा देता हूँ। पोर्ट नंबर इंटरफेस पे क्या है आप देख सकते हैं, इंटरफेस हमारा 16 है, पहले हमारा यहाँ पे कुछ और लगा रहा, अलग ही आईपी आ रहा था, अब आ रहा है 192.168.1.129। तो हमारा फायरवॉल प्रॉपर तरीके से कन्फिगर हो चुका है। मैं आपको इसमें इस फायरवॉल में लॉगिन करके ही दोस्तों दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमको अपना यूजर नेम डालना है, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड जो हमने अभी लॉगिन किया था पुट्टी में वही पासवर्ड हमको यहाँ पे डाला कंसोल में, तो हम वही पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फायरवॉल ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो ये वाला वीडियो में नेक्स्ट में बनाऊंगा कि कैसे रजिस्टर हम फायरवॉल को करते हैं, वर्चुअल फायरवॉल को जो हम डेमो के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये फायरवॉल प्रॉपर तरीके से फ्रेंड्स ओपन हो गया है, आप इसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं और इसमें कहीं भी कुछ नहीं है। प्रॉपर तरीके से मैंने एक वर्चुअल फायरवॉल को प्रॉपर इंस्टॉल किया है, आप इसके अंदर सीख सकते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं, फिर उसे अपने फायरवॉल को प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फायरवॉल रूल्स में सब कुछ दिखा रहा है। मैं वापस डैशबोर्ड पे आ जाता हूं, कंट्रोल पैनल पे हर एक चीज़ आ रही है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इंटरफेस में मैं जैसे क्लिक किया तो अभी इंटरफेस मेरा नहीं दिखा रहा है, हाँ आ गया यहाँ पे पोर्ट भी हमारा वैन है, वैन भी एक्टिव है फ्रेंड्स। अब हम चले जाते हैं फ्रेंड्स इसमें आपको मैं दिखा देता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन मोड में चले जाते हैं हम। इसमें मैं एडमिनिस्ट्रेशन मोड में आ गया मैं। अब यहाँ पे आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये फायरवॉल अभी रजिस्टर्ड नहीं है। इस फायरवॉल को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम इसको रजिस्टर करते हैं डिवाइस एक्सेस में, सारी चीज़ें जैसे एक्चुअल फायरवॉल होता है फ्रेंड्स वैसे ही है। तो हमको क्या चाहिए, 30 डेज के लिए ट्रायल लाइसेंस फ्री मिल जाए और हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज करें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो फ्रेंड मेरे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज देते हैं। जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।